धर्मराजा चषक 2023 में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल, धूमधाम से किया गया स्वागत। विशेष तौर पर आपको बता दें कि पिछले दो दिनों से चल रहे धर्मराजा चषक 2023 में कुल 32 टीमों ने भाग लिया है और आपको बता दें कि डे नाइट ये क्रिकेट टूर्नामेंट चलने वाला है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1,00,000 और द्वितीय पुरस्कार 50,000, साथ ही साथ कई उपहार क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए रखा गया। इस बीच आप तस्वीर में देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल जी के आगमन के दरमियान आतिशबाजी की गई। तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं कि उनके साथ में भाजपा भिवंडी शहर के उपाध्यक्ष और भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के पूर्व सभागार नेता सुमित पाटिल, पूर्व गट नेता हनुमान चौधरी उनके साथ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम के आयोजक नीलेश चौधरी, नितेश एंकर, मयूर चौधरी, विराज पवार के साथ कई सामाजिक संगठन, कई राजनीतिक दल के लोग दिखाई दिए। बता दें केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने नीलेश चौधरी के कार्य की प्रशंसा की। विशेष तौर पर इस टूर्नामेंट को लेकर केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने नीलेश चौधरी को बधाई दी और कहा कि नीलेश चौधरी हमेशा सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने बता दें कि लॉकडाउन का हवाला दिया, कहा कि लॉकडाउन में नीलेश चौधरी के माध्यम से लगभग 4,00,000 से भी अधिक लोगों को जो जरूरतमंद थे उन्हें भोजन वितरण किया गया और कई सामाजिक काम लॉकडाउन में भी करते हुए नीलेश चौधरी दिखाई दिए थे। विशेष तौर पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सभी मान्योरों का स्वागत जो है नीलेश चौधरी, नितेश एंकर, मयूरेश चौधरी के हाथों से पुष्पगुच्छ देकर किया जा रहा है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट नेता विजय कामले भी मौजूद थे, उनका भी स्वागत सम्मान किया गया। इस बीच हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने विशेष तौर पर धर्मराजा चषक 2023 को लेकर शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर क्या कहेंगे, धर्मराजा चषक 2023 का आपका आगमन हुआ और जिस तरह से क्रिकेट प्रेमियों का यहाँ पर एक प्रेम देखने को मिला है, पिछले 3 सालों से धर्मराजा ग्रुप की तरफ से इसी तरह का एक भव्य आयोजन किया जाता है, आपका आगमन हुआ क्या कहना चाहेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नीलेश चौधरी ये 3 साल से धर्मवीर चषक का आयोजन करते हैं हर साल। जैसे दिग्गज साहब का नाम बहुत बड़ा था, उनको लोग धर्मवीर कहते थे, उनके नाम के जैसा ही इस पर्दा को बड़ा करने का काम हमारा नीलेश चौधरी कर रहा है। निश्चित तौर पर निचले तख्ते से खिलाड़ियों को निर्माण करने को के लिए प्रोत्साहन देने का काम इस पर्दा के माध्यम से हो रहा है, इसलिए मैं नीलेश चौधरी उनके सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे चल के यही स्पर्धा हमारे भिवंडी में एक नंबर की स्पर्धा कहलाएगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। सारे खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे खेलते खेलते एक दिन हमारे खिलाड़ी कोई तो आईपीएल में चले जाए, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जिस तरह से पिछले 3 सालों से धर्मराजा ग्रुप की जो संस्थापक अध्यक्ष है नीलेश चौधरी के माध्यम से खेल जगत में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं क्रिकेटर, और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि क्रिकेट से ही जुड़ा यहाँ पर ग्राउंड में काफ़ी खूबसूरती सजाया गया है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल शानदार आयोजन किया है और बड़ा मतलब रणजी हम देख रहे हैं ऐसा इस ढंग से यहाँ से हमको ये हो रहा है, तो ये जो पूरा आयोजन है ये बड़ा शानदार है और इससे इस इलाके के सारे जो क्रिकेटर खेलने वाले बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन ही मिलेगा, यहाँ से वो खेल के हो सकता है कि वो आगे राज्य में और केंद्र में खेले, तो ये जो इस ढंग का आयोजन है वो करना ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि नीलेश जी चौधरी साहब ने जो ये आयोजन किया है बड़ा ज़बरदस्त आयोजन है और उसके अंदर कोई कहीं पे कमी नहीं रहे इसके अभी ध्यान रखा गया है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और यहाँ पे जो टीम खेल रही है सारी टीम का टीम को मैं शुभेच्छा भी देता हूँ कि खेले अच्छे ढंग से खेले और यहाँ पे हारे या जीते लेकिन वो जिंदगी में जीते ये मैं अपेक्षा करता हूँ। धर्मराजा ग्रुप वराल देवी स्पोर्ट जे क्रिकेटचे आयोजन केलेले आहे, मी नीलेश चौधरी साहेबांबद्दल एक म्हणजे जेवढं बोलावं तेवढं कमी आहे। आज कोरोना काल होता, त्या कोरोना कालामध्ये त्यावेळी आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपल्या परिवाराची पर्वा न करता आपल्या आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपल्या परिवाराची पर्वा न करता
गोर गरीब जनतेसाठी दिवस रात्र एक करून 4,82,000 लोकांना त्यावी जेवण वाटप केला। पूर्ण आम्ही त्यांच्याही मागे होतो, मयूर चौधरी होता, मी होतो, असे असंख्य कार्यकर्ते त्यांच्या मागे होते। आणि इथून त्यावी बसेस गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा अशा ठिकाणी आणि पोलिसांना किट वाटप केले। वृद्धाश्रममध्ये त्यावी अनाथ जे आश्रममध्ये त्यांना खाण्याचा किंवा जे गोळ्या औषधांचा जे काही सामान लागत असेल ते पुरवण्याचं त्यावी काम केलेलं आहे। मी तर खरंच सांगेन की ताडाली गावासाठी आपण जसा बोलतो ना का शरद पवार साहेब हे तेल लावलेला पेलवान आहे, त्या पद्धतीने ताराली गावासाठी निलेश चौधरी साहेब तेल लावलेलाही पहलवान आहे। ते आज एवढा राजकारणामध्ये उतार असतानाही लोक बरीचशी त्यांची मजा घेत होती, पण त्याला निष्ठून त्यावी त्या डबल त्या जागेवरती आलेले आहेत। मी आज धर्मराजा चषक तुम्ही तर बघतच असेल हजारोच्या संख्येने एक एक दोन दोन वाजेपर्यंत पब्लिक इथे आनंद घेण्यासाठी जमत आहे। मी आणखी एकदा आमच्या धर्मराजा निलेश चौधरी साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि पुढं त्यावी याच्यापेक्षा जोरात आणि आम्ही त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून याच्याही पेक्षा जोरात एक क्रिकेट स्पर्धा भरवण्याचा प्रयत्न करू। मैं मेरे धर्मराजा ग्रुप मेरे परिवार की तरफ से धर्मराजा चषक को बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहता हूँ। जैसे आईपीएल को एक देश का बड़ा त्यौहार माना जाता है, वैसे धर्मराजा चषक को भिवंडी का एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट को देखने के लिए लाखों के व्यूज़ मिल रहे हैं, लाखों लोग जैसे कि देख रहे हैं आप कि इस टूर्नामेंट को बहुत सारे व्यू मिल रहे हैं और लोग बहुत सारे शुभेच्छा ग्रीटिंग दे रहे हैं कि इतना अच्छा टूर्नामेंट का ये जो अरेंजमेंट किया है इसके लिए धर्मराजा श्री निलेश जी चौधरी को सब शुभेच्छा दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस आदमी में सच्ची में कुछ तो अलग ही पावर है कि ये दिमाग जो सोचता है वो करके दिखाता है और इसकी सोच सबसे अलग है, जिसका कपिल हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब ने भी इनको इनकी प्रशंसा की। सच में ये बहुत बड़ी बात है और मेरी और मेरे परिवार की तरफ से तो धर्मराजा चषक को बहुत बहुत शुभेच्छा।